हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम्स के बारे में। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने सेल ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं, और इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने हमारे पहले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम्स के बारे में। तो जो लाइसोसोम है वो भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल ही है। सेल ऑर्गेनल कौन होते हैं? जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये हमारा सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स, और जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। तो आपको ये पता चल गया होगा कि जो हमारा लाइसोसोम्स होंगे वो भी किसी न किसी मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे। तो जो लाइसोसोम्स होते हैं वो भी मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, अब इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है लाइसोसोम्स का? इनका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, कुछ इस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, और सैक लाइक होता है, मतलब ये अपने अंदर कुछ रखते हैं। कोई ना कोई मटेरियल्स ऐसा होता है जो कि लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ऐसा क्या प्रेजेंट होता है हमारे लाइसोसोम्स के अंदर। ये तो हमें पता चल गया कि जो लाइसोसोम्स हैं वो स्फेरिकल शेप के हैं और वो सैक लाइक है, मतलब वो अपने अंदर कोई ना कोई मटेरियल को रखने वाले हैं। अब वो कौन से मटेरियल को रखने वाले हैं अपने अंदर? वो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो लाइसोसोम्स होंगे वो अपने अंदर रखने वाले हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये कहाँ से आए? हमने माना कि जो लाइसोसोम्स है उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने अंदर रख रखा है, जो कि कोई भी मटेरियल होगा जैसे फूड पार्टिकल है, तो फूड पार्टिकल के ऊपर वो जाके चिपक जाएंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे, उसको खा जाएंगे और उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। लेकिन अब हमें ये भी तो समझना जरूरी है कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये आए कहाँ से हैं, इनको बनाया किसने है? तो हमारे जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनको बनाती है ER, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इसको किसने बनाया है? ER ने, जिसके बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स उनको बनाया है ER ने। ये जो ER है ये प्रेजेंट नहीं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ये प्रेजेंट होते हैं लाइसोसोम्स के अंदर। ER प्रेजेंट होती है हमारे सेल के अंदर, वो भी क्या, एक सेल ऑर्गेनेल है। अब ये भी हमें समझ में आ गया कि जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है इनको बनाया है किसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। और ये क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल सेल के अंदर आता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो कि सेल का नहीं है, जो कि सेल के बाहर से आया है। तो कोई भी फॉरेन मटेरियल होता है, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया, कोई वायरस हो गया, कोई भी फूड पार्टिकल हो गया, तो जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो कि सेल के बाहर के होते हैं, जैसे कि फूड मटेरियल आया, तो क्या करेंगे, हमारे जो भी लाइसोसोम्स हैं वो उस फूड मटेरियल के ऊपर जाके चिपक जाएंगे, उसको खा लेंगे, उसको डाइजेस्ट कर लेंगे। तो ऐसा काम कौन करेगा? ये काम करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स और फूड पार्टिकल के ऊपर जाके चिपक जाएंगे और उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लेंगे। और इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाए किसने है? इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाए है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होंगे जो कि सेल के पार्ट नहीं है, जो कि सेल के बाहर से हैं, फूड पार्टिकल हो गया, कोई भी बैक्टीरिया हो गया, कोई भी वायरस हो गया, उनको वो डाइजेस्ट करने वाले हैं। लेकिन हमारे इन लाइसोसोम्स को किसने बनाया? ये जो हम पढ़ रहे हैं लाइसोसोम्स, इनको भी किसी ने बनाया है। तो किसने बनाया है लाइसोसोम्स को? इनको बनाया है गॉल्जी अपैरेटस ने। तो किसने बनाया है? गॉल्जी बॉडी ने। तो गॉल्जी बॉडी भी बोल सकते हैं हम, गॉल्जी अपैरेटस भी बोल सकते हैं। तो जो गॉल्जी बॉडी होती है उन्होंने बनाया है लाइसोसोम्स को। अब ये गॉल्जी बॉडी क्या होती है? तो गॉल्जी बॉडी के बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो गॉल्जी बॉडी है इन्होंने बनाया है लाइसोसोम्स को, और लाइसोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाया है किसने? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, ये सिंपलर जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होंगे
कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ये कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, और इस तरह से क्या होता है, वो जो मटेरियल है वो डाइजेस्टिव हो जाता है। वो बहुत बड़ा मटेरियल होता है, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और डाइजेस्ट, ये जो हमारे लाइसोसोम्स है इसको बनाया है गॉल्जी बॉडी ने, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी जो लाइसोसोम्स है, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल, ये क्या करते हैं, एक तरह से ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम का काम करते हैं। जो भी सेल के अंदर वेस्ट मटेरियल है, जो भी सेल के अंदर कचरा है, उसको ये साफ कर देते हैं। अब ये साफ कैसे करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई भी मटेरियल है जिसकी सेल को नीड नहीं है, वो सेल के लिए एक तरह से वेस्ट है, तो हमारे लाइसोसोम्स क्या करेंगे, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको भेजेंगे। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो उस वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे, वो जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको ब्रेक डाउन करके उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो लाइसोसोम्स है वो एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल का भी काम करते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या करेंगे, उस वेस्ट मटेरियल के ऊपर जाके चिपक जाएंगे, उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और इस तरह से सेल का जो भी कचरा होगा वो साफ हो जाएगा। तो लाइसोसोम्स एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम की तरह भी काम करते हैं। फिर क्या है, नोन एज सुसाइड बैग्स ऑफ सेल, जो भी हमारे लाइसोसोम्स होते हैं इनको हम सुसाइड बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। अब इसको हम सुसाइड बैग्स ऑफ सेल क्यों बोलते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उस कॉम्प्लेक्स को वो सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो ये सारा काम करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको किसने बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लाइसोसोम्स को किस, जो हमारे लाइसोसोम्स है इसको किसने बनाया, इसको बनाया गॉल्जी बॉडी ने, जिसके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये जो लाइसोसोम्स है ये क्या होते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो इनको हम सुसाइड बैग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब लाइसोसोम फट जाता है, तो जब लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है, जब लाइसोसोम फट जाता है, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो इन लाइसोसोम से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि लाइसोसोम्स तो अब फट गया है, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होंगे वो बाहर आ जाएंगे और जो सेल होगा उसको ही वो क्या कर लेंगे, खा जाएंगे, या फिर जो लाइसोसोम होंगे उनको ही वो खा जाएंगे, एक तरह से वो खुद को ही सुसाइड तो कर लेंगे। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इनको सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं। तो हमारे जो टॉपिक है, कौन सा वाला, लाइसोसोम्स वाला, ये कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम गॉल्जी बॉडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। If anybody have any type of doubt, any type of query, then please ask me in the comments. Thank you so much.